गाइस, आज के हमारे प्रोजेक्ट की खास बात पता है क्या है? यहाँ पे आपको जितने भी फ्लैट हैं वो सारे पार्क फेसिंग मिलने वाले हैं, एंड द अमेजिंग थिंग इज कि वो आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलने वाले है ना। अच्छी बात, तो क्या बोलते हो, करें आज की टूर का शुरू? आइए चलते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रासिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर सारे फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं पार्क फेसिंग, और उसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ ओरा गजानिया का सैंपल अपार्टमेंट, एंड साथ ही मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगी कि आपको विद द परचेज यहाँ पे अपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपको अपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन देने से पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आज के हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ओरा गजानिया, जो लोकेटेड है आपका जरकपुर पटियाला चंडीगढ़ हाईवे पे, हाई ग्रैंड रोड पे लोकेटेड रहेगा आपका ये। पटियाला चंडीगढ़ हाईवे आपका काफ़ी बिजी हाईवे है, तो कनेक्टिविटी का एंड आपको यहाँ पे नियर बाई प्लेसेस का कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इजीली अप्रोचेबल सारे रहने वाले हैं, लाइक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नियर बाई में मिल जाएंगी, चाहे वो आपकी स्कूल्स हो, चाहे वो आपके कॉलेजेस हो, चाहे वो आपके फूड कोर्ट्स हो, लाइक सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहने वाली हैं। प्रोजेक्ट के अंदर की बात करेंगे, 3.25 एकड़ का टाउनशिप है जिसमें आपके पास एम्यूनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, पार्क्स आ जाएंगे, आपके क्लब हाउस रहेंगे, पार्किंग की बात करूँ तो 3 पार्किंग स्पेसेस आपके रहने वाले हैं, आपका बेसमेंट स्टिल्ट एंड सर्फेस, एंड तीनों ही आपके ईवी चार्जिंग पॉइंट्स के साथ रहने वाले हैं। कंप्लीट आपके 5 टावर्स आ जाएंगे प्रोजेक्ट में, जो रहेंगे आपके S+14 कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री आपकी रहने वाली है वो है आपकी 3 BHK। तो आज आपको 3 BHK का ही सैंपल मैं रिव्यू करने वाली हूँ, जो रहने वाला है इन द साइज ऑफ 2190 स्क्वायर फिट। एंड गाइज, द बेस्ट थिंग कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही कमर्शियल स्पेसेस भी मिल जाएंगे, तो आपको लाइक किसी भी चीज़ के लिए बाहर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी। लाइक डेली नीड्स का जितना भी सामान हमें चाहिए होता है वो आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे आज के सैंपल अपार्टमेंट का रिव्यू। आइए, सो इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास 3+1 BHK एंड 3 BHK ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। आज जो मैं आपको सैंपल रिव्यू करने वाली हूँ वो है आपका 3+1 BHK का, जो रहने वाला है इन द साइज ऑफ 2190 स्क्वायर फिट। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सैंपल अपार्टमेंट का टूर। अंदर जाने से पहले मैं आपको +1 रूम दिखा देती हूँ इसका। सो ये रहेगा आपका +1 रूम, जिसको आप एज अ सर्वेंट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा ऑफिस स्पेस अगर आप बनाना चाहेंगे घर में वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपका विद वॉशरूम आ जाता है, जिसमें आपकी सारी फिटिंग्स जो है वो प्रीमियम रहने वाली हैं। यहाँ पे एक एंट्री मिल जाती है आपको, जहाँ से अगर आप एज अ सर्वेंट रूम इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो यहाँ से आपके सर्वेंट डायरेक्ट किचन में एंटर कर सकते हैं, लाइक आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी अगर बार बार वो वहाँ से जाएंगे। एंड आफ्टर दिस अब हम एंटर करेंगे हमारे घर में, जो आपका मेन 3 BHK है। तो आइए चलते हैं अंदर। सो गाइज, ये है हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 2190 स्क्वायर फिट। तो गाइज, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये अपार्टमेंट ना बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका इंटीरियर लाइक सुपर्ब है मैं कहूँगी। तो यहाँ से आप बहुत सारे आइडियाज़ भी ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप फ्लैट परचेज करते हैं तो आप अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री में ही इन्होंने एक बार सेटअप किया है इस स्पेस का, काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन करके। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी रॉयल लुक आपके घर को दे देता है।
एंड अगर आपको भी ऐसा शौक है कि अपने क्वालिटी टाइम को और भी अच्छे से स्पेंड करने के लिए आप ऐसा कुछ अपने घर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ एडजॉइंट आपका ड्राइंग एरिया आ जाएगा, तो आप छोटा मोटा लाइब्रेरी भी यहाँ पर बना सकते हैं ताकि आप वहाँ पर बैठ के आराम से बुक पढ़ पाएँ। मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉपर सिटिंग स्पेस देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये एरिया कि आपका जो 12 सीटर है वो यहाँ पे आराम से ऐड हो सकता है। ऊपर आप ये ब्यूटीफुल सा लाइट देख सकते हैं जो आपके ड्राइंग एरिया में बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर रही है, आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है। यहाँ पे पीछे का वॉल अगर आप देखेंगे ना, इसमें पूरा इन्होंने पैनलिंग कर रखा है, ग्लास का वर्क किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंटिंग यहाँ पे ऐड करके रखा है। इस साइड देखेंगे आप, इस साइड भी आपका वुड वर्क आ जाएगा, ग्लास वर्क आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने ये भी। ठीक ऊपर यहाँ पे आपकी एसी की डक्टिंग रहेगी जहाँ पे आप अपना एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपर पार्ट इसका देखेंगे, कंप्लीट फॉल सीलिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है लाइटिंग वगैरह ऐड करके, तो आप यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं कि जब आप ये फ्लैट परचेज करेंगे तो आप इसको किस किस तरीके से डेकोरेट करने वाले हैं। एंड अगर आप चाहेंगे, अगर आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो अपने आइडियाज़ भी उसमें डाल सकते हैं। एंड इस एरिया के साथ कनेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा आपका बालकनी, एंड इस वॉल पे रहने वाला है यहाँ पे आपके एलईडी के लिए स्पेस जहाँ पे आप अपना एलईडी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं कि सैंपल अपार्टमेंट में इन्होंने लगा भी रखा है एलईडी यहाँ पे फॉर द सैंपल। तो आइए चलते हैं, बालकनी भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, यहाँ पे ना हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, गर्मियों के मौसम में आपका मन करेगा कि आप इधर ही बैठे रहो, अंदर जाओ ही ना। एंड एंट्री में इसमें बालकनी में जो आपका ये जो डोर आ जाता है ना, ये आपका विद टफन ग्लास रहने वाला है जो आपका साउंड प्रूफ होता है, तो आपका बाहर का जितना भी नॉइज़ होगा ना वो अंदर एंटर नहीं करेगा, तो आप पीसफुल लाइफ अपना इंजॉय कर सकते हैं अंदर बैठ के। बालकनी के साइज़ की बात करूँगी तो काफ़ी खुली बालकनी है आपकी, 6 फीट वाइड रहने वाली है, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सुंदर से प्लांट्स भी लगा रखे हैं। आप इनमें और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं ताकि और भी हरी भरी लगे एंड आपको यहाँ पे बैठने का और भी ज़्यादा मज़ा आए। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ आपका जो रेलिंग रहेगा वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हाइट के साथ आता है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे रहने वाला है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये थी हमारी बालकनी। अब इसके बाद हम चेकआउट करेंगे हमारा डाइनिंग स्पेस। सो लुक एट दिस डाइनिंग स्पेस गाइस, कितना ज़्यादा सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रखा है इन्होंने ये। पहले तो आप नज़र टेबल पे दे दीजिए, कितना ब्यूटीफुल टेबल एंड कितना यूनिक टेबल इन्होंने ऐड करके रखा है। ऊपर का लाइटिंग अगर आप देखेंगे, काफ़ी यूनिक लाइटिंग आ जाएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके डाइनिंग टेबल के बिल्कुल ऊपर, बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर रहा है। सामने वाली वॉल अगर हम देखेंगे तो इसका तो पूरा लुक ही चेंज कर दिया है विद द ग्लास वर्क, तो आप भी अपने घर में कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि आपका जो घर है वो और भी ज़्यादा स्पेशियस लगे, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन के कारण आपके घर को जो है वो और भी ज़्यादा स्पेशियस लुक दे देता है। इसी के साथ एडजॉइंट यहाँ पर रहेगा किचन, तो आइए। तो गाइस दिस इज द किचन, फुली मॉड्यूलर किचन आ जाएगा जिसमें ग्रेनाइट का कुकिंग काउंटर रहेगा, अपर कैबिनेट्स आ जाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल से विद ग्लास वर्क, एंड बीच में यहाँ पे आ जाएगा आपकी चिमनी के लिए स्पेस हॉब, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पेस जहाँ पे आप अपने अप्लाइंसेस स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं उनको। ऊपर यहाँ पे भी आप कैबिनेट्स देख सकते हैं। आपके जो लोअर कैबिनेट्स हैं वो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाते हैं, आप देख सकते हैं ना, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये वाले जो कैबिनेट्स हैं, तो आप ऐसा भी अपने घर में कुछ कर सकते हैं। एंड इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस आ जाता है, का हिडन स्पेस, बहुत जगह पे इसको बार भी बोला जाता है। आप और भी तरीक़ों से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप सामने नहीं रखना चाहते वो आप यहाँ पर रख सकते हैं एंड इसको क्लोज कर सकते हैं ईजिली ऐसे। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्यूल सिंक विद मूविंग फॉसेट, एंड ऊपर आपके कैबिनेट्स रहेंगे जिसमें आप अपने यूटेंसिल्स यहाँ पे वॉश करके उनको यहाँ पे रख सकते हो इजीली। एंड यहाँ पे ना अगर आप गीले बर्तन भी रखोगे तो आपके कैबिनेट्स ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि बीच में आपको ये ट्रे मिल जाता है जिसमें आपका सारा पानी आ जाता है, तो आपके कैबिनेट्स ख़राब नहीं होते अगर आप गीले बर्तन भी रखोगे।
यहाँ पे आपके आरओ का एंड गीजर का प्रोविजन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना आरओ एंड गीजर इंस्टॉल कर सकते हो। स्टार्टिंग में यहाँ पे रहेगा स्पेस रेफ्रिजरेटर के लिए। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रेफ्रिजरेटर यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो आप जितना मर्जी बड़ा रखना चाहें आप रख सकते हैं। एंड इसी के साथ अटैच यहाँ पे बालकनी भी रहेगी। सो गाइज, ये आ जाएगी आपकी बालकनी एल शेप में आ जाएगी, जिसको आप इस साइड आप देख सकते हैं आपके टैप्स भी प्रोवाइडेड हैं, तो एज ए यूटिलिटी पर्पज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले आप इस साइड देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप भी इस पर्पज़ से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपना वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे रख के अपना क्लोथ्स वगैरह यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका एंट्री, जो आपके प्लस वन रूम से आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था कनेक्टेड रहेगा। एंड कमिंग टू दिस साइड, यही बालकनी आपकी सेकेंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी। एंड साइज़ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बालकनी है, तो अगर आप अपने सिटिंग के लिए स्पेसेस बनाना चाहते हैं, झूला लगाना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस बालकनी में ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे बालकनी में, आप देख सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा किचन। नाउ वी आर ऑल डन विद आवर ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन। अब चलेंगे रूम्स की तरफ, तो आइए। सो गाइज, ये जो आप पैसेज यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे रहने वाले आपके तीनों रूम्स, बिल्कुल सेपरेट एरिया आ जाएगा आपके रूम्स का, आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम एंड आवर मास्टर बेडरूम। तो पहले हम चेकआउट करेंगे हमारा फर्स्ट बेडरूम। गाइज, पहले तो ना इंटीरियर देखो रूम का, लाइक वाओ। पीछे अगर आप ये वॉल देखेंगे ना, कितना अच्छे से यहाँ पे इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। बेड के पीछे का जो वॉल आ जाएगा, इस पर वॉलपेपर यूज़ किया गया है, अंदर आपका प्रॉपर लाइटिंग आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट पैनल वर्क यहाँ पे हो रखा है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका मिरर भी इंस्टॉल कर दिया है विद द वुड वर्क, बेड आपका देख सकते हैं। एंड कलर थीम भी रूम का बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाइट रखा गया है। अगर आपको भी लाइट कलर्स पसंद है, कुछ ऐसे कलर्स पसंद है, तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं कलर्स का भी एंड डिज़ाइन का भी। कबर्ड्स यहाँ पे रहेंगे आपके, काफ़ी अच्छे लेआउट के साथ रहेंगे। एंड आप देख लीजिए एक बार, काफ़ी अच्छा लेआउट दिया गया है कबर्ड्स का। एंड बेड के बिल्कुल सामने यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके एलईडी के लिए, जहाँ पे पहले आप एलईडी पैनल का डिज़ाइन देख लीजिए, कितना ब्यूटीफुल पूरा वुड का वर्क कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। एंड डिज़ाइन का आइडिया आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आपका काफ़ी ब्यूटीफुल सा लाइटिंग भी ऐड कर रखा है इन्होंने, तो आप वहाँ पे मज़े से अपने बेड पे सो के एंटरटेनमेंट इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे अपना एलईडी प्लेस करके। एंड गाइज, इसी रूम के साथ कनेक्टेड आपका बालकनी भी आ जाएगा, जो आपके मास्टर बेडरूम एंड आपके फर्स्ट बेडरूम का कम्बाइंड बालकनी है, तो वो मैं आपको मास्टर बेडरूम से दिखाऊंगी। अब हम चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में। एंड उसके बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे रहेगा सेकेंड बेडरूम, एंड इसमें आपको बिल्कुल अलग थीम मिल जाएगा, अलग कलर्स मिल जाएंगे, अलग डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। आप एक बार बेड देखिए, बेड का आइडिया भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, डिज़ाइन आपके बेड का काफ़ी अच्छा दिया गया है। पीछे वाला जो वॉल आ जाएगा, उस पर आपका कंप्लीट पैनल वर्क आ जाएगा, ग्रे आपका वुड का कलर आ जाएगा, लाइटिंग आप इसमें प्रॉपर अंदर देख सकते हैं। एंड इस रूम के साथ भी अटैच आपकी बालकनी रहेगी, जो मैंने आपको किचन से दिखाई थी। यहाँ रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग। गाइज, ये लाइट आप देखिए, कितना ब्यूटीफुल लाइट है, आप भी अपने रूम में कुछ इस तरीके का ऐड कर सकते हैं। सामने वाले वॉल पे रहेगा आपके एलईडी के लिए स्पेस, ये आपका पूरा टेक्सचर्ड वॉल यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, बीच में लाइटिंग भी ऐड कर रखी है, तो यहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं, अपना एलईडी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कमिंग टू दिस वॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही सिंपल सा पेंटिंग यहाँ पर इन्होंने ऐड कर रखा है, तो आप भी कुछ ऐसे पीसेस अपने रूम में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि गाइज, जितने सोबर एंड सिंपल चीज़ें आप रूम में ऐड करेंगे ना, आपका रूम उतना ही ज़्यादा क्लासी लगने वाला है। ऊपर फॉल सीलिंग में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से लाइटिंग इन्होंने ऐड कर रखा है, बहुत ही हल्का हल्का, जो काफ़ी अच्छा एम्बियंस आपके रूम में क्रिएट करेगा, अगर आप पूरी लाइट्स ऑफ भी कर देते हैं तो। यहाँ पर रहेंगे आपके कबर्ड्स, लुक एट द साइज एंड द लेआउट, इस तरफ भी देख सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ रहेगा वॉशरूम। पहले तो साइज देख लीजिए वॉशरूम का, काफी बड़ा वॉशरूम आ जाएगा।
जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे पार्टीशन कर रखा है वॉशरूम में, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपने बाथरूम सेक्शन एंड दूसरे सेक्शन को अलग कर सकते हैं। आपका वैनिटी यहाँ पे लगाया गया है, आपका सीट प्रॉपर आ जाएगा, फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो भी है, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस रहेगा आपका, गीजर के लिए प्रोविजन आ जाएगा, एंड फुल वॉल लेंथ पे ना आपका टाइल वर्क यूज़ किया गया है, एंड जो टाइल का साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ी टाइल्स यहाँ पे यूज़ करी गई हैं। एंड फ्लोरिंग में अगर आप देखेंगे तो सारी एंटीस्किड टाइल्स आ जाएंगी, ताकि आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाए, आपको कोई इशू ना आए कभी भी गीले फर्श पे। एंड दिस वॉज आर सेकेंड बेडरूम। इसी के साथ मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ यहाँ पे। इसमें भी आपका कंप्लीट ब्रांडेड पूरा जैगवार का फिटिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है, सेम पार्टीशन आ जाएगा आपका, जहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। आपका लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आ जाएगा, एग्जॉस्ट का स्पेस आ जाएगा, लाइटिंग आपकी प्रॉपर आ जाएगी। यहाँ पे भी फुल वॉल लेंथ पे टाइलिंग का यूज़ किया गया है, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्किड यहाँ पे रहने वाली है। एंड गाइज आफ्टर दिस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मास्टर बेडरूम और थर्ड बेडरूम। सो गाइज लुक एट दिस मास्टर बेडरूम फर्स्ट, हाउ ब्यूटिफुल इट इज। इसमें भी आपके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, काफ़ी लाइट कलर्स यूज़ किए गए हैं इसमें भी, लाइटिंग आपका प्रॉपर आ जाएगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस वॉल, यहाँ पे आपका कंप्लीट पैनल वर्क आ जाएगा, जिसमें आप बीच में वुड वर्क भी देख सकते हैं, ग्लास वर्क आ जाएगा आपका। बेड देखिए आप कितना बड़ा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, उसके बाद भी इस साइड भी इतना स्पेस बच जाता है कि आपका साइड टेबल आ जाएगा विद दिस ब्यूटीफुल लैम्प, एंड उस साइड भी आपका टेबल जो है वो आ जाएगा। तो लाइक यहाँ से है ना आप रूम के साइज का आइडिया लगा सकते हो, एंड अपने रूम को डिज़ाइन करने का आइडियाज भी सोच सकते हो कि आप कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे रखेंगे, ताकि स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक, यहाँ पे ऊपर आपका एसी का डक्टिंग रहेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका सामने वाला वॉल, जिस पे आप पूरा पैनलिंग करके अपना एलईडी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल पैनलिंग कर रखा है आपके ड्रेसिंग टेबल को फॉलो करते हुए, एक बार अगर आप देखेंगे कलर्स वगैरह पूरा सेम रख के, एंड ये भी आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने रूम में ऐड करना चाहेंगे तब भी आपका रूम काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ऊपर आपका लाइटिंग आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल सा, एंड ये ड्रेसिंग टेबल भी आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी सिंपल सोबर सा है बट बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आपके रूम को देगा अगर आप भी अपने रूम में कुछ ऐसा करेंगे तो। एंड गाइज इसी के साथ अटैच यहाँ पे वॉशरूम आ जाएगा आपका। सो कबर्ड्स में ना आपकी ऑटोमेशन लाइट्स यूज़ करी गई हैं, आप भी अपने कबर्ड्स में कुछ ऐसा कर सकते हो, लेआउट भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा कबर्ड्स का। एंड इसी के साथ इसी पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम। अगेन साइज़ देख लीजिए काफ़ी बड़ा आ जाएगा, बीच में सेम पार्टीशन उन्होंने यहाँ पे भी कर रखा है, टाइल आप वर्क आ जाएगा आपका पूरा वॉल लेंथ पे, गीज़र का प्रोविज़न आ जाएगा, आपके एग्जॉस्ट का प्रोविज़न आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी रहेगा। मिरर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्फी मिरर इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो आप भी अपने वॉशरूम में कुछ ऐसा कर सकते हैं उसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, यूनिक चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। सो गाइस वॉशरूम के बाद अब मैं फाइनली लेके चलूंगी आपको बालकनी में, तो आइए। सो गाइस ये रहेगी बालकनी आपके मास्टर बेडरूम एंड आपके सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड, जिसमें काफ़ी स्पेशियस बालकनी आपको ये मिल जाती है, जहाँ पे आप काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हो। एंड अगर आपको काफ़ी सारे प्लांट्स लगाने के बाद भी आपका मन ना भरे, तो आप कुछ ऐसा भी अपनी बालकनी में कर सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा प्लांट्स और भी ज़्यादा नेचर आप अपनी बालकनी में अपने घर में ऐड कर पाएँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा सिटिंग स्पेस यहाँ पे ऐड करके रखा है, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है आपको बालकनी में, क्योंकि दो रूम्स के साथ कंबाइन आपकी बालकनी आ जाएगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस रेलिंग का हाइट भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, आराम से यहाँ पे खड़े होकर आप अपना टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सामने आने वाला है पूरा पार्क, तो ये आपको पार्क फेसिंग बालकनीज आ जाएंगी, जहाँ से आप पूरा पार्क का व्यू इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा मास्टर बेडरूम।
जिसमें आपका कंप्लीट जो फ्लोरिंग रहेगा वो वुडन फ्लोरिंग आ जाएगा एंड बाकी घर में आपका जो फ्लोरिंग है वो सारा टाइल वर्क रहने वाला है। सो इसी के साथ आज का हमारा रिव्यू टूर कंप्लीट होता है। पूरा घर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अगर आप मेरे रिव्यूज़ की बात करेंगे, मुझे पर्सनली ये घर बहुत अच्छा लगा, जिसमें सबसे पहले मैं लेआउट की बात करूँगी, तो लेआउट आपका काफ़ी अच्छा बनाया गया पूरे घर का, कि आपके आउटर स्पेसेस जो हैं वो सारे एक सेक्शन में आ जाएंगे एंड जो आपके रूम्स रहने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन में आ जाएंगे। बैल्कनीज आपकी काफ़ी स्पेशियस आ जाएंगी, आपकी जो किचन है उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पर सारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो पार्क फेसिंग मिलने वाले हैं, और वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो इससे अच्छी बात और क्या चाहिए आपको। बाकी आइडियाज़ तो मैं दे ही चुकी हूँ आपको कि आप किस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप यहाँ पे फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप विजिट भी करना चाहेंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, हमारी जो सेल्स टीम है, वो आपका विजिट प्लान करेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए घर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।